नमस्कार साथियों, एक और वीडियो पे आपका स्वागत है। यूएई से रिलेटेड हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, आपको पता है भाई, दुबई के विजिट वीजा चल रहे हैं, सबको पता ही है। अभी सरकार ने एक 6 महीने का और भी वीजा लॉन्च कर दिया, हालांकि वो आप सब लोगों के लिए नहीं है। 10 कैटेगरी है जो मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप ज्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। एक गोल्डन वीजा भी 10 साल का स्टार्ट किया, वो भी आप लोगों के लिए नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब, समझ गए आपको, आपके लिए वीजा है 1 महीने का 3 महीने का। और यहां पे ये टॉपिक मैं इसलिए दोबारा आप लोगों के साथ शेयर लेके आ रहा हूं कि इंडिया के 100 जितने दुबई जा रहे हैं, सब विजिट में जा रहे हैं, 100 के 100% लोग हैं जो दुबई जाना चाहते हैं। बिजनेसमैन बात नहीं करते, ट्रेवलर की बात नहीं करते, हम यहां पे बात कर रहे हैं वर्कर की, जो लोग इंडिया से दुबई जॉब में जाना चाहते हैं उसकी हम बात करेंगे। जी हाँ, वो कौन से वीजा में यहां से जाते हैं, जबकि उसको कौन से में जाना चाहिए, कितना पैसा एजेंट लोग ले लेते हैं, और दुबई में आजकल एक फंसने का वो है ना, ट्रेंड चल रहा है, इंडिया के लोग वहां पे जाके फंस रहे हैं। आप कैसे फंस रहे हैं, डिटेल से हम बात करेंगे। आपको भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी हम गौर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको वीजा से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। देखिए, विजिट वीजा चल रहे हैं, वर्क परमिट वीजा बंद है। अभी अभी आप ये बोल जाओ कि वर्क परमिट वीजा चालू हो जाएंगे, नहीं होंगे। आज की डेट में इंडिया के 1,50,000 आंकड़े आए हैं केस कोरोना के। जी हाँ जी, जो पिछले एक साल में नहीं आए ना, जो पीक था भयंकर वाला, उसमें भी 1 लाख से ऊपर नहीं छुटे। यहाँ एक दिन में 1,50,000, आज की डेट की मैं बात करूं तो 10 अप्रैल की। जी हाँ, तो वर्क परमिट को बोल जाओ, अभी विजिट का सिस्टम चल रहा है। एजेंट से जैसे आप कांटेक्ट करते हो, वो बोलते हैं हाँ जी हम आपको भेज देंगे, आप भी खुशी खुशी तैयार हो जाते हो, क्योंकि वीजा तो आ जाता है 3 दिन के अंदर। सबसे बड़ी वर्क परमिट के पीछे भागते रहते, पहले इंटरव्यू देता, क्लाइंट इंटरव्यू होता, सिलेक्शन होता, फिर आगे से नाम आता, फिर आपका नॉर्मल मेडिकल होता, फिर अप्रूवल आता, मतलब 2-3-4 महीने 5 महीने खींच जाते वर्क परमिट के चक्कर में। आप बैठे बैठे बोर हो जाते, अरे हम तो बर्बाद हो गए यहाँ बैठे बैठे। दुबई में जाते पता नहीं क्या मार मार के पत्थर पैसे गिरा लेंगे नीचे। तो इस चक्कर में आपके विजिट वीजा जल्दी आ जाता है। एजेंट बोलता है 10 दिन में फ्लाइट करवा दूंगा, ₹1,00,000 दे दे। जी हाँ, आप खुशी खुशी दे देते हो। हालांकि हमारे राजस्थान में इतना नहीं देते, दुबई का 50-60 हजार रुपए से ऊपर लोग देते नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन देता भाई इंडिया में, जहां तक मेरे पास कॉल आते हैं, मैंने ट्राई किया, पंजाब के लोग ₹1,00,000 तो दुबई का आम बात है, वो दे देते हैं आराम से। 70-80 लाख रुपए तो मिनिमम से मिनिमम वो लेते ही लेते हैं। जी हाँ, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, बिल्कुल भी नहीं बनाता। एक केस आया मेरे पास कल की डेट में, इस बंदे ने बता दूं एजेंट को ₹90,000 ये देके दुबई गया। जी हाँ, 1 महीना इसको हो गया दुबई में गए हुए, अभी तक कंपनी इसको काम पहले लगाया नहीं, अभी कंपनी काम लगवाती है तो कंपनी ने क्या सेफ्टी नहीं है इनकी, विजिट वीजा में वीजा भी लगा नहीं, कंपनी ने इनका मेडिकल नहीं करवाया अभी तक। मेरी इनसे इनके घर वालों से बात हुई, और उधर कंपनी बोलती है आप चाहे मरो, चाहे आपके पैर के लगे बड़े बड़े भारी भारी वो कार्गो शिप आते हैं, उनमें से सामान निकालना होता है, रिगर जिनको बोल सकते हैं। रिगर की एक वीडियो में मैंने बताया 1500 तनख्वाह दे रखी है, जबकि रिगर की तनख्वाह क्या होती है, 800-900 रुपए यही मिलता है। तो इस बंदे ने, इन्होंने यहाँ पे उनका नहीं कोई वीजा लगा, नहीं कोई सैलरी, पड़े एक मकान में बहुत सारे बंदे, तो इनके घर वालों ने फिर एजेंट से कॉन्टेक्ट हुआ, तो एजेंट ने धमकी दे दी, आपने 90,000 दिए, मेरा खर्चा हो गया, मेरे तो जेब से पैसे लग गए आपके बंदे को वहां सेटिंग करवाने में, जॉब लगवाने में, मैं पैसे रिटर्न कहां से दूं, वापस नहीं आएगा वो, जो तुम में है वो कर लो, ये एजेंट के वर्ड है, ये रिकॉर्डिंग है बाकायदा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उसकी वॉइस मैंने भी सुनी थी। अब बताओ जी, 90,000 रुपए लिए बंदा गया है 1 महीने के वीजा पे, जबकि इनको बेवकूफ क्या बनाया कि ये 2 महीने का वीजा है। अब एक फंडा और देख लो भाई, वीजा में डेट लिखी है 2 मंथ, आपको एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको एजेंट बोलते हैं 2 महीने का वीजा है, जबकि वो एक्सपायरी डेट होती है वीजा की, कि आज जैसे 10 अप्रैल को वीजा निकला है तो 10 मई 10 जून को वो वीजा एक्सपायर होगा, जबकि एजेंट उसको उल्टा कर देते हैं कि 2 महीने का वीजा है, जबकि वो वीजा 1 महीने का, शॉर्ट टर्म एस टर्म, लॉन्ग टर्म में एल टर्म, ऐसा कुछ लिखा होता है वीजा के ऊपर, पता लग जाता है। यानी 8-7 हजार का वीजा, 8-7 हजार की टिकट, बंदा 15,000 में दुबई पहुंच गया, 20,000 पकड़ लो, कोरोना की रिपोर्ट भी आई होगी, हो सकता है एजेंट ने करवाई होगी, 90,000 लिए जी, 70,000 रुपए पैकेट में डाल के घर वालों को डरा रहा है। आप बताओ क्या किया जाए ऐसे एजेंटों के बारे में। तो कहने का मतलब क्या, वो उनका धंधा है बिजनेस, धंधा हिंदी में बोल दो बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है वो, उनका काम है वो करेंगे, आपको चेपना, आपको ठगना, आपको बेवकूफ बनाना, आपको चेपना, हिंदी वाले मारवाड़ी लोग समझते हैं चेपना क्या है, आप भी समझते होंगे। तो कहने का मतलब, लेकिन आपको उनसे बचना जरूरी है। उधर पासपोर्ट कंपनी बोलती है नहीं जी पासपोर्ट तो देंगे ही नहीं, आपका वीजा लग गया,
मैंने पूछा जी मेडिकल हो गया, बोला नहीं जी मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल हुआ नहीं, कंपनी बेवकूफ बना रही है, पासपोर्ट लग गया। यानी चोर दोनों तरफ बैठे, ये मत समझना कि एजेंट हरामी है, कंपनियां भी हरामी है, वो नहीं चाहती कि हाथ में आया शिकार जल्दी जाने दें। एक महीने का वीजा, वीजा लगा नहीं, मेडिकल हुआ नहीं, पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी एक्सटेंड का बहाना बनाएगी, दो तीन चार महीने निकल जाएगा, बंदा एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी पासपोर्ट पकड़ा देगी, और जी ले जाओ जी पासपोर्ट, हम वीजा नहीं लगाते, या वीजा का पैसा दो, या फिर वो डेट एक्सपायरी हो गई तो उसका जो हर्जाना है फाइन दो, वो फाइन दो। ये कंपनियां कर रही है आजकल। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई तो मेरे साथ शेयर कीजिए, वीडियो बना के हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों ज्यादा से ज्यादा हम अवेयर कर सकें, क्योंकि दुबई के नाम से सबसे ज्यादा जोल चल रहा है भाई, इंडिया में नहीं चल रहा है वहां पर भी चल रहा है, ये बात को आप हमेशा ध्यान रखें। परमिट वीजा, विजिट वीजा में जा रहे हो भाई, 3 महीने का वीजा लेना है आपको, 3 महीने का, 1 महीने वाले में नहीं जाना है, आपका कुछ नहीं होगा महीने वाले में। हाँ, कंपनी खुद आपको लेके जाती है इंडिया आके, आपका इंटरव्यू होता है, विजिट में भी इंटरव्यू होता है, ऑफिस में ऐसी कोई बात नहीं है, वो बोलती है लेके जाती है, हाँ ठीक है भाई, उनका तो सीधा सिस्टम है ना कि इंटरव्यू हो गया 50 बंदों का, सीधा लेके जाएंगी, चौथे दिन वीजा अप्लाई कर देंगे, वो तो महीने भर में आपका वीजा लग जाता है। बाकी एजेंटों के द्वारा आप जाते हो, फिर वो वहां अपने रूम पे आपको बिठा के रखते हैं 10 दिन, कोई एजेंट बोलते हैं ना 5-10 दिन रूम पे बैठना पड़ेगा भाई, वहां पे झोल हो सकता है, आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वो जाते ही जॉब नहीं है, उनके भी आगे लिंक होते हैं, वो आज आपको उस कंपनी में लेके जाएंगे, 10 दिन बाद उसमें लेके जाएंगे, फिर वहां से ऊपर लेटर आएगा, इतने में वीजा एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने, उसमें तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि पैसे आप देके जाते हो वर्क परमिट वीजा के। एजेंट बोलते हैं हमने आपके पैसे वीजा खर्च कर दिया, अब यहाँ पे जो मेटर आया ना, बोला 1,00,000 रुपए तो वीजा के लगते हैं, आपने तो 90 दिए हैं, लेकिन भाई तुझे पता होना चाहिए ना, तूने कौन से यहाँ से कंपनी के अकाउंट में डाले वीजा के पैसे, तो 70,000 खा गया, टिकट वीजा का 20,000 पकड़ ले, कोरोना रिपोर्ट का पकड़ ले, बाकी तो 70,000 जिम गए, कंपनी लगाएगी ना, अगर वहां वीजा लगाती है 4,000 दिरहम वो खर्च करेगी वहां पे, वो ऊपर से तो वर्कर की मारती है, कंपनी बोलती है हमारे 5,000 दिरहम दे दो, देखिए इस बंदे में क्या हुआ, 90,000 एजेंट को दे दिया, 5,000 और भी विदेश जाने के नाम से खर्च हो जाता है, 1,00,000 रुपए लग गए, उधर कंपनी ने पासपोर्ट जमा कर लिया, मेडिकल हुआ नहीं, कंपनी से पासपोर्ट मांगते तो वो बोलते हैं 5,000 दिरहम तो हमारा वीजा का खर्चा हो गया, ले भाई इधर एजेंट बोलता है मेरा वीजा खर्चा हो गया, सोचो मेरी आप बात समझे, 1 महीने के वीजा पे 2,00,000 का जोड़ा रहे, कंपनी 1,00,000 रुपए मांग रही है, इधर एजेंट बोलता है मेरे लग गए, तो इन चीजों से बच ले भाई, वीजा आए तो देख ले, सोच ले, समझ ले, चेक करवा ले, और एजेंट से रिटर्न में ले आप इस बात को, गारंटी लेगी 3 महीने के वीजा पास वीजा देता है तो मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। पहले बोलते पासपोर्ट देते टाइम 1 महीने का वीजा गलती से भी दे दिया तो 13 लगेगा, मेरा नहीं लगेगा, मैं नहीं जाऊंगा, 3 महीने का देता है तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि 3 महीने में 3 महीना लंबा होता है, 10 दिन और मिल जाते हैं, 100 दिन खूब होते हैं, वीजा कहीं ना कहीं लग ही जाता है आपका, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज की जानकारी बस इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।